इसके साथ इंटरव्यू करा दिया। और पाजी कैसे? मैं बढ़िया, तू बता। बस बढ़िया। और आपके हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? मेरे हाथ में तो दर्द नहीं हो रहा, तेरे गाल में तो नहीं हो रहा। पाजी याद मत दिलाओ, बहुत कवर करना पड़ा था उस टाइम पे, दोबारा ना करना पड़े। नहीं नहीं, इस बार कवरेज दूंगा पूरी। और क्रिकप्लेक्स में आके कैसा लग रहा है? अरे क्रिकप्लेक्स में आके तो अच्छा ही लगता है भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, मजा आता है आके। मजा तो मुझे भी आ रहा है। सर शुरू करें क्या? हाँ करो भाई, सवाल तो वैसे भी इससे पूछने हैं मुझे थोड़े ही, मैं तो बोन रेडी हूँ। अरे पाजी मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ सवाल लेके। तो शुरू कर। तो कर देता हूँ। पुराने वाला सीन है वो तो बहुत वायरल हुआ है, कुछ मजेदार सा बताओ जो आप सबसे शेयर करना चाहो, कुछ फनी सा, कुछ अकवार्ड सा, कुछ हुआ आपके साथ। हाँ हाँ, एक चीज हुई थी, वो मैंने कई जगह बताई है। हाँ, फिर बताता हूँ भाई। जब तेरी भाभी को मैं डेट करने की सोच रहा था ना, अच्छा। कि मतलब कैसे डेट करूं, क्या करूं, तो मैंने सोचा कि उसको कॉफी डेट पे लेके जाता हूं। हाँ। लेकिन उसके लिए मैंने सोचा कि आईपीएल में उसको बुला लिया जाए, अपना मैच दिखाया जाए, तो मैच देखने आएगी, उसके बाद कॉफी डेट आसान हो जाएगी। मैंने उसको टिकट्स भेजे, लेकिन भाई वही पासा पलट गया, टिकट्स गए उसके पास लेकिन मैच देखने आए उसका ड्राइवर, ड्राइवर का बच्चा। अच्छा, तो आपने फिर ड्राइवर से पूछा नहीं भाभी कहाँ गई? ड्राइवर से पूछता ना तो तेरी भाभी मेरे को ड्राइवर बना देती। अच्छा, भाभी तो इंग्लैंड की है और आप इंग्लैंड के खिलाफ भी कई बार खेला है आपने, तो जब कभी इंग्लैंड के खिलाफ आप खेल रहे होते हैं तो ग्राउंड पर से आपको आवाजें कैसी आती हैं, भज्जू भज्जू या जिज्जू जिज्जू? यार ये सवाल बहुत सही है। जब मैं साउथहैम्पटन में खेलता हूँ, क्योंकि तेरी भाभी साउथहैम्पटन की है, जब मैं उधर खेलता हूँ तो वहाँ पे फैमिली वाला माहौल रहता है, फैमिली आती है देखने, तो वहाँ जीजू जीजू सुनने को मिल जाता है, लेकिन कहीं और खेलता हूँ तो वहाँ तो भज्जी भज्जी चलता है भाई। अच्छा अच्छा, खेलते हुए कई बार ऐसा होता है बॉल्स पे छक्के पड़ जाते हैं, आपकी बॉल पर कभी छक्का पड़ा आपको कैसा महसूस होता है? पहले बॉल पकड़। यार क्या है कि जैसा तुझे महसूस होता ना, बिल्कुल वैसा ही मुझे महसूस होता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा छक्के तूने खाए हैं। अभी मैंने छक्के के अलावा भी बहुत कुछ खाया है, लेकिन मैं तो कंट्रोल कर लेता हूँ, जज्बातों पे काबू करना पड़ता है, क्या करें, मेरा निकल जाता है। अच्छा, आपके बारे में आपकी खुद की कौन सी बात ऐसी है जो सबसे अच्छी लगती है आपको और सबसे बुरी लगती है? मेरे बारे में मेरा गुस्सा सबसे अच्छा भी यही है और सबसे। पाजी बार बार आप वही याद दिला रहे हो। छोड़, वो समझ गए। समझ रहे हो ना। अच्छा सुना है कि आपकी इंग्लिश बड़ी कैड़ी है। हाँ अब हो गई है। अच्छा, तो एक टेस्ट हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं। कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगा, कुछ एब्रीविएशन, उसका फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है। लॉल का मतलब क्या होता है? लॉट्स ऑफ लाफ्टर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। टी वाई का मतलब क्या होता है? थैंक यू। वेलकम। अबे थैंक यू उसका आंसर है। अच्छा सॉरी, तेरे को नहीं बोल रहा मैं। ओके ओके ओके। नेक्स्ट, हम का मतलब क्या होता है? हम का मतलब होता है टीम इंडिया, जिसमें तू है नहीं। गलत जवाब। वो कैसे? हम का मतलब होता है सोचना। अबे तो सोच के ही तो बोला था। हाँ ठीक, ये सही है। अच्छा पाजी, आप नेल कटर यूज नहीं करते क्या? क्यों भाई? नहीं, आपको देखता हूँ मैं कभी, आप ग्राउंड में होते हैं, घर में होते हैं, कहीं भी, तो ये वाली जो तस्वीरें हैं आपकी बहुत वायरल होती हैं, क्या राज है इसका? भाई ये जब मेरे को स्ट्रेस होता है ना, हाँ, तब मैं करता हूँ। अच्छा, और दूसरा मम्मी ने कभी यार बचपन में इसके लिए मारा नहीं। ओ मम्मा भूल गई, लेकिन आप नहीं भूले, आपने बड़े होके वो काम कर दिया मेरे पे। तभी तो तू नेल कटर यूज करने लगा। सही बात है, नेल कटर के अलावा आप बहुत चीजें आप याद दिलाते हैं जो मैं याद नहीं करना। चल चल कोई बात नहीं। पाजी आप तो ऐसे भी डर लगता है, लेकिन ठीक है। पाजी बॉल पकड़ो, अभी बातें तो बहुत सारी होनी है। बता बता। पाजी आपके अंदर कौन सी एक ऐसी अच्छी आदत है जिसको आप बदलना चाहोगे? अच्छी आदत? नहीं नहीं, सोच लो कोई अच्छी आदत है भी या नहीं आपके अंदर। तू मार खाएगा यार। पाजी याद नहीं दिला बार बार, मैं बस ऐसे पूछ रहा था। तो बातें भी ऐसी मत कर। चलो जवाब तो मुझे समझ में आ ही गया। हाँ ठीक है, उन्हें भी समझ में आ गया। जवाब आप हमेशा मुंह से नहीं देते हो। अच्छा पाजी, दुनिया तो हरभजन सिंह को जानती है ना, हरभजन सिंह खुद को कितना जानते हैं? मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ। कर लो। एक रैपिड फायर आपके साथ। हाँ हाँ चलिए। आपने इंटरनेशनल डेब्यू कब किया था क्रिकेट में? सन 1998।
आपका लकी नंबर क्या है? लकी नंबर 3 जुलाई, मेरा बर्थडे है तो 3। क्या बात है। आपको भज्जी नाम किसने दिया था? नैन मोंगिया। क्या बात है, बहुत ही कैड़ा। टेस्ट मैच में आपने कितने विकेट लिए हैं? मैंने टेस्ट मैच में लिए हैं 417 विकेट्स। क्या बात है। आपने लास्ट इंटरनेशनल मैच कब खेला? 2016 T20 UAE के खिलाफ। आपका एक निकनेम भी है, क्या है वो? वो है टर्मिनेटर। पाजी, इंडिया की तरफ से आप एकमात्र ऐसे बॉलर हो जिसने टेस्ट मैच में हैट्रिक विकेट लिया है, तो जरा बताओ किस किस को आउट किया था आपने? मैंने शेन वॉन, रिकी पोंटिंग, गिलक्रिस्ट। क्या बात है, बहुत ही सही जवाब। तू ये करता क्या रहता है बार बार, ये क्या है? पाजी, आज आपका बर्थडे है ना, तो गॉड से आपके लिए प्रे करता रहता। अरे मार नहीं रहा हूँ, गले लग रहा हूँ यार। हैप्पी बर्थडे पाजी। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। क्विक फ्लेक्स रेडियो की ओर से टीम इंडिया के टर्मिनेटर यानी भज्जी यानी हरभजन सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको भी उनको विश करना है तो कमेंट्स में आइए और उनको ढेर सारी विशेस दीजिए। हैप्पी बर्थडे भज्जी।